हेलो गाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज तो वीकेंड पे आरुष से मिलेंगे और उठ रहे हैं और आईपैड देख रहे हैं। और आपने क्या खाया? और बनाने से खाया और ब्रश किया। गुड जॉब। हेलो गाइस, तो चीकू ने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बस एक उसको आज क्या हुआ, आज जैसे हॉलीडे है तो वेटरन्स डे होता है यहाँ पर, तो बच्चों का हॉलीडे होता है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो इसको लग रहा है कि वीकेंड है। तो आज वेंसडे है और नहीं सॉरी थर्सडे है, तो कल बस स्कूल जाना, उसके बाद वीकेंड आएगा। तो वही बता रहा है कि आज वीकेंड है और हम आरुष से मिलेंगे। तो मैंने इसको बोला था कि वीकेंड पे हम लोग फ्रेंड, इसका जो फ्रेंड है आरुष, उसके उसके यहाँ जाएंगे, उससे मिलेंगे, उसके यहाँ जाएंगे और उनको घर पे बुलाएंगे, जो भी है देखते हैं। अभी तो मेरी उन लोगों से बात भी नहीं हुई है, लेकिन मैं देखती हूँ, प्लान करके देखती हूँ। और तो बस वही बता रहा है, उसको वही लग रहा है कि ऐसा शायद घर पे मैं हूँ आज, इसीलिए छुट्टी है क्या इसी वजह से। तो बस गाइस आज यही, अभी तो सुबह से, आज सुबह उठने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन एज़ यूजुअल चीकू तो उठ गया अपने टाइम पर और फिर मुझे भी वही उठना पड़ा। राज का ऑफिस का काम बहुत सारा है, क्योंकि कल राज ने ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा किया नहीं, कल बर्थडे वगैरह का था सब, तो काफ़ी आज काम हो गया है। और मतलब थोड़ा सा साफ़ सफाई भी घर की मैंने करी अभी, एक्चुअली मैंने सब वाइप वगैरह किया है, पोछा वगैरह लगाया। तो सब लोग आ जाते हैं तो थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है फ्लोर वगैरह। अब फ्लोर पे प्रॉब्लम यही है कि ये फ्लोर पे लेटता है अपना कंफर्टर लेके या कुछ भी, तो इस वजह से मैं फ्लोर थोड़ा क्लीन ही रखती हूँ कि ये लेटेगा खेलेगा ज़मीन पर, तो इसी वजह से वही सब अभी झाड़ू पोछा किया है। तो बस अब मैं बैठी हूँ, अब बस जाके चाय पीऊँगी और कल का रखा हुआ है थोड़ा बहुत खाना पीना, थोड़ा बहुत क्या, एक्चुअली बहुत ही रखा है हम लोगों का, तो आज आराम से चल जाएगा। जवे रखे हैं, चने हैं, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में तो वही खा लेंगे। चीकू को मैंने स्मूदी खिला दी है और तो बस अभी फ़ोटोज़ वगैरह भी पूरी देख भी नहीं पाई। मेरे जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने भी कुछ पिक्चर्स ली थी, वो लोग भी अभी मुझे भेज रहे थे पर मैंने अभी देखी नहीं, टाइम ही नहीं मिला सुबह से, क्योंकि फैलाव भी इतना हो गया था, वो सब समेट भी रही थी, थोड़ा बहुत समेटा है, मतलब ऑलमोस्ट समेट गया है, बट उसमें अभी काफ़ी टाइम निकल गया सुबह, तो अभी मैंने चाय भी नहीं पी इसीलिए। और आज ने भी आज चाय नहीं पी, आज का अभी ऑफिस का ही आज काम इतना ज़्यादा है कि वो सुबह से लगे पड़े हैं। तो बस कहीं यही चल रहा है। और चीकू नो बेटा, वो टूट जाएगा। और चीकू बस ऐसे खाली घूम रहा है, उसके पास कोई काम तो है नहीं। तो गाइस चलिए फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ और थोड़ा सा कुछ खा वा लूँ, फिर बात करती हूँ। ओके, थैंक यू चीकू। चीकू हेल्प कर रहा है मामा की। ये देखिए चीकू क्लीन कर रहा है बैकयार्ड, ब्रूम कर रहा है। अभी चीकू के डैडी क्लीन कर रहे थे, अभी चीकू कर रहा है। मैं आराम से चेयर पे बैठी हूँ। थैंक यू चीकू, बहुत अच्छा कर रहे हो। ओके वेट वेट, दैट्स ओके नाउ। इतने पत्ते घर के है ना कि क्या करो, कितना भी क्लीन करो, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं। मैं एग प्लांट्स दिखा, ये एग प्लांट्स हमारे, देखो हमारा एग प्लांट कितने अच्छे हो गए हमारे एग प्लांट्स। ओके गुड जॉब चीकू। ये देखो अभी डाल रहे हैं, कितने सारी लीव्स निकाली हैं पेड़ के पीछे से, पूरा गट्ठर बना हुआ है पेड़ के पीछे, तो राज वहाँ से भी क्लीन कर रहा है।
ये देखो कितने कितनी ज़्यादा कितनी सारी लीव्स हैं। Oh, careful. Okay, let's empty this. Do you want to empty it? Yeah. Okay, come. I don't need to empty it. Over there. By myself. Okay, in the corner. Over there. ये देखिए ये वहाँ पे ये कोने में अभी भी बहुत वहाँ पे लीव्स हैं, तो ये अभी निकालने जा रही है। ये सारी निकली हैं और अभी और निकालेंगे। और ये पूरे यहाँ पे पेड़ों में ना, पेड़ों के अंदर ये सारे भर जाते हैं पत्ते। ये तो देखिए मैं टमाटर का पेड़ था, तो ये पूरा ख़राब हो गया। Okay, Jeetu, let me teach you one more trick. After you fill it up, इसको ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, ऐसे, ऐसे पकड़ो इसे, and push it in. Now it's clean. Now fill more, and then do the same thing more. So you will get more space. Fill more first. Fill more. Now do the same thing. Lift it, lift it, lift. Now push it with the broom. Push inside with the broom. More, more, more. Push all the way. Plus here. Good job. Good job. Now fill it more. You have more space. Good job. थोड़ा सा मैं भी करती हूँ घर का। चलिए गाइस फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये देखिए गाइस, चीकू कार में बैठा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, चीकू को बड़ा मज़ा आता है ना इंडिकेटर वगैरह देने में और बस ऐसे ड्राइव करने में, कार ऑन ऑफ करने में, तो वो वही कर रहा है। उसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो जैसे कि अभी एक्चुअली राज इसको लेकर आए थे कि इसको थोड़ी देर में कार में बिठा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। वो सडनली उनका कुछ काम आ गया ऑफिस का, तो राज ने कहा ठीक है तुम थोड़ी देर बैठो फिर मैं आता हूँ, फिर मैं देख लूँगा। बच्ची को आराम से बैठा है, बस इंजॉय कर रहा है, सारी चीज़ें चेक करते रहते हैं क्या है क्या नहीं, कैसे चलता है क्या कर होता है। तो मैं इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि इसका गियर पे और उसमें पार्किंग पे हटे ना, बाकी तो सब ठीक है। What are you doing? Give indicator. Give indicator. Left or right? Left. Okay. Left indicator means? Left. Turn it left, yes. And right? Turn it right. Good. Right indicator means turn it right. Yes. So guys, bas start means first gear. बाहर तो गर्मी थी इस टाइम पे, काफ़ी धूप हो रही है और एसी चला के बैठे हुए हम लोग। तो मैं देखती हूँ राज को कॉल करती हूँ, वो आ जाए यहाँ पर, तो फिर मैं घर में जाऊँ और घर में जाके थोड़ा सा काम देखती हूँ चीकू का, क्योंकि टाइम पास तो हमें कराना ही है, वो बोर हो रहा है। तो ऐसे ही टाइम पास होता है इसका, जब इसका स्कूल नहीं होता, इसकी छुट्टी होती है, तो इसका टाइम पास हमें ऐसे ही कराना पड़ता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो गाइस बस अभी तो रात हो गई है यहाँ पर, तो मैं बस अभी चीकू के कपड़े कल के निकाल के रख रही थी। एक्चुअली कल पजामा डे है, सो कुछ मतलब पजामा टाइप सेट जो होता है वो बना के भेजना है। बट इसके साथ में यही है कि ये नीचे का जो पजामा है, सिर्फ नीचे का जो लोअर है
वो पहन लेता है, लेकिन पजामा सेट का जो ऊपर की टी शर्ट होती है वो उसको कंफर्टेबल नहीं लगती है, क्योंकि थोड़ा पजामा सेट का ना वो पतले पतले होते हैं, बिल्कुल स्किन टाइट होते हैं टी शर्ट्स, तो वो ये नहीं पहनता है। तो नीचे का पजामा पहन लेता है, बाकी ऊपर की टी शर्ट हटानी पड़ती है मुझे। तो और प्रॉब्लम ये है कि मैं अलग से अगर ऐसे पजामा ख़रीदना चाहूँ तो वो मिलते नहीं। अब जैसे कि ये मैंने कल के लिए निकाला है, ये निकाला है, तो ये इतने कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि थोड़े से वुलन है, ये अभी ठंड है तो वैसे सॉफ्ट वुलन होते हैं, और इलास्टिक वाले कंफर्टेबल सॉफ्ट होते हैं काफ़ी। और ये अगर अलग से मैं सिर्फ पजामा ही लेना चाहूँ तो वो मिलता नहीं, वो पूरा सेट मिलता है, और सेट के साथ में ये है कि वो ऊपर का पहनता नहीं है, नीचे का बस पहनता है। नीचे घर में तो मैं ऐसे ही पजामे उसको पहनाती हूँ कंफर्टेबल से, तो क्या कर सकते हैं, यही है कि ये पहना दूँगी, ऊपर से कोई टी शर्ट हल्की सी पहना दूँगी, यही सोचा, बस ये निकाली टी शर्ट, ये पजामा निकाला है तो ये पहनाऊँगी। और ऐसे पजामे मैंने इंडिया में देखे हैं, काफ़ी मिलते हैं इस तरीके के। और ये थोड़ी उसकी क्वालिटी देखिए, एक बहुत मोटे वाले आते हैं, थोड़े फरी फरी से होते हैं, तो वो इतना नहीं कंफर्टेबल लगते हैं, बट ये सॉफ्ट भी होते हैं और हल्के भी थोड़े रहते हैं, वो बहुत मोटे मोटे होते हैं ना, तो उसमें इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो ये वाले मैं देखूंगी जब इंडिया जाऊंगी, तो अगर ऐसे मुझे मिलते हैं वहाँ पर, कुछ समझ में आते हैं, तो मैं ऐसे ले आऊँगी। और बाकी वरना यही है कि घर पे तो मैं ऐसे ही पहनाती हूँ उसको, तो ऊपर का सेट फिर पूरा ख़राब हो जाता है, नीचे का ही बस पहनता, ऊपर का पहनता नहीं है। तो ऐसे इसके 3-4 पजामे हैं जो ऊपर के इसने छोड़ दिया पहनना, बस नीचे का पहनता है। तो ये देखिए यहाँ पे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये देखिए पूरे कपड़ों का ढेर लगा है, और अभी एक लोड और हो रहा है, तो वो भी वॉश हो जाएगा, ड्राई हो रहा है अभी, तो वो भी अभी फोल्ड करना है मुझे। तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब डेली के कपड़े निकलते हैं, चीकू के डेली के हो जाते हैं, जैकेट हो जाता है, फिर डेली के ऑफ स्कूल का, फिर घर के डेली के दो जोड़ी तो हो ही जाते हैं, बाकी हम लोग भी जैसे कहीं जाते हैं तो वो पूरे कपड़े हो जाते हैं, तो हर दो दिन में पूरा लोड भर जाता है, हर दो दिन में क्या, हर एक दिन में भर जाता है, और एक दिन डेली अगर नहीं करूँ तो दूसरे दिन बहुत हो जाएगा लोड। तो ये है, अब करना तो है, ये भी देखते हैं, फोल्ड करूँगी मैं, बाकी आज का भी काम काफ़ी चल रहा है। कभी कभी तो यही होता है कि कभी बिल्कुल काम नहीं होता है, और कभी इतना काम आ जाता है कि वो ख़त्म ही नहीं होता, तो क्या करें, करना तो है ही है, इससे अच्छा है कि खुश होके कर लो, हैप्पी होके कर लो। क्योंकि कई बार मतलब मैंने ऐसे देखा है लोगों को कि अरे काम है काम है, काम करना है, ये है वो, मतलब इस तरीके से सोच सोच के ना परेशानी होते रहते हैं, लेकिन वही है कि काम करना है और करना भी आपको ही है, तो वही काम जब करना है तो खुश होके कर लो, तो इससे ये है कि ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है फिर, तो हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और आराम से सारे काम करते जाओ। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं लाइफ की, लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं, बट ये सारी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे होता है ना, हम सभी को होता है कि थक जाते हैं डेली का रूटीन के इतने काम होते हैं, तो एक कभी कभी ऐसा होता है कि अरे यार वही काम सेम वही फिर से डेली का वही, बट नहीं है, ये जब मतलब चल रहा है ये सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, रुकना नहीं चाहिए सब कुछ, तो इसीलिए स्मूथली सबकी लाइफ ऐसे चलती रहे, डेली के जो रूटीन है सबके वो चलते रहें, वही अच्छा है। तो सब लोग आराम से खुश होकर सबको काम करने चाहिए जिसके जो काम है, और बस तो बस गाइस यही है। और अभी मैं थोड़ी देर में चीकू को डिनर कराती हूँ, और हम लोगों का डिनर का तो यही है कि हम लोग डिनर तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने लंच ही किया है 4:30-5 बजे करीब, क्योंकि हमने मॉर्निंग में थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, मतलब वही नमकीन वर्मिसली रखी थी और काले चने रखे थे, तो वो खा लिए चाय के साथ, तो इतना हमारा पेट भर गया था कि खाना खाने का मन नहीं हुआ। फिर हमने शाम को वही 4:30-5 बजे खाना खाया है, तो राज ने भी अभी मना किया कि मैं तो खाना खाऊंगा नहीं, अभी हमने बिल्कुल चाय पी है, तो अभी 7:15 हुआ है यहाँ पर, तो बस अब मैं 7:30-8 एक्चुअली 7:30 पे मैं बैठती हूँ, फिर उसको खाना खिलाती हूँ, फिर बस फिर वही लेटने का हो जाएगा,
कल फिर स्कूल है, कल स्कूल है उसके बाद वीकेंड आ जाएगा, सैटरडे संडे ऑफ। तो चीकू की प्लानिंग तो अभी से हो गई कि अब वीकेंड पे क्या करना है। उसका एक फ्रेंड है तो वो बहुत पुश कर रहा है उससे मिलने के लिए। तो आज मैंने उसकी मॉम से बात करी, मैंने कहा कि एक्चुअली चीकू काफ़ी मन उसका मन हो रहा है मिलने का, तो आप लोग अगर फ्री हो तो बताना। तो उसकी मॉम ने बोला हाँ हमारा कुछ है प्लानिंग, बट हम रात तक कन्फर्म करके बता देते हैं। तो ठीक है, वो लोग बताएंगे तो वैसे ही हम प्लान कर लेंगे, क्योंकि हमारी सारी प्लानिंग चीकू के अकॉर्डिंग होती है। मतलब हम कुछ भी अपना अलग से ऐसे कुछ प्लान नहीं करते कि हम अपनी मर्ज़ी से कहीं घूमने जा रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से, हम सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो उसी में ही हम फ़न भी ढूंढते हैं कि हाँ उसी में ही हमें भी अच्छा लग जाए कुछ, तो ये कोशिश करते हैं हम। और ऐसा नहीं है, अच्छा भी लगता है घूमने फिरने, उसके अकॉर्डिंग जाओ, उसके पसंदीदा जगह पर जाओ तो, बट हमें भी वहाँ पे अच्छा ही लगता है, अच्छी अच्छी जगह होती है काफ़ी, और लोगों से मिलना, फ्रेंड्स से मिलना तो ऑब्वियसली अच्छा लगता ही है। तो बस गाइस यही है, अभी देखते हैं फिर वीकेंड पे क्या होता है। और कल का चीकू ने बोल दिया है कि कल उसको स्कूल के बाद सीधे रेस्टोरेंट जाना है, उसको रेस्टोरेंट में ही खाना खाना है कल बैठ के, मतलब घर नहीं आना है उसे, सीधा रेस्टोरेंट में खाना खा के फिर उसे घर आना है। तो देखते हैं कल का जैसा होता है, क्योंकि प्लान तो चेंज भी हो जाता है, तो कल का जैसा होगा देखेंगे। तो चलिए गाइस फिर मैं आप लोगों से खाना वाना खिला दूँ उससे उसको, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके बाय बाय। हेलो गाइस, तो आपने आज आप देख ही रहोगे कि ये भी खड़े हैं पीछे बात करने के लिए। कभी कभी वो होता है ना, कभी कभी नजर आते हैं, क्या क्या कहते हैं, चांद चांद कुछ होता है, चांद का पता नहीं, लेकिन हाँ। बस तो बस चीकू अभी सो गया है और हम लोग जग रहे हैं। राज ने बोला कि राज को स्क्विड गेम देखना है, तो देखना तो मुझे भी है, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है वो। अरे बहुत बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को, बहुत हम लोग अब खत्म होने वाला है, तो खत्म होने वाला है ना, तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें देखने में। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि चलो देख लेते, थोड़ा सा थोड़ी देर और देख लेते हैं, फिर सो जाएंगे। ठीक है, आप लोग ख्याल रखिए अपना, हम लोग फिर सुबह आराम से बात करते हैं। ओके बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू, बाय।